स्वागत आपका मारीना संदेश में। और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के वार्ड नंबर 3 के मोहल्ला रामपुर चकिया में। समय हो रहा है रात का लगभग 9:15 बज रहा है। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बाल्टी की तरफ आप दिखाएं, यहाँ पर नीचे आप बाल्टी की तरफ दिखाएं, कैमरा बाल्टी की तरफ करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों की खाली बाल्टियां हैं, घर की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सभी लोग एकदम लाइन लगा करके यहाँ खड़े हैं। और काफी भीड़ जुटी हुई है, जहाँ एक तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप है, वहीं पानी की भी हाहाकार मची हुई है। बता दें आपको कि सामने इसी माह में चुनाव को संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन एकदम कमर कसे हुए है और पूरे तरीके से चुस्त दुरुस्त है। जहाँ एक तरफ शासन प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हुए बिजली विभाग दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि रामपुर चकिया में इस समय समस्या ये है कि जो लोग यहाँ खड़े हैं, इन सभी लोगों के घर की ही नहीं बल्कि इस पूरे वार्ड की लाइट को कट कर दिया गया है। बिजली विभाग ने अपना तानाशाही रवैया दिखाते हुए इस वार्ड की लाइट को कट कर दिया है। कारण बताया जा रहा है कि बिजली का बिल बकाया है। इस बात माना जा सकता है कि बिजली का बिल बकाया है, लेकिन क्या सभी पूरे वार्ड में हर आदमी का बिल बकाया है? ऐसा नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका बिजली का बिल जमा है। इन लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या यही बिजली विभाग का इंसाफ है और क्या शासन प्रशासन इसी तरीके से संरक्षण दे रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि जहां एक तरफ कोरोना को आदमी किनारे कर रहा है, ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये कोरोना से तो ही प्रभावित नहीं होगी, जितना प्रभावित कोरोना से नहीं होगी उससे कहीं ज्यादा प्रभावित ये पानी से हो सकती है। और जो आम समस्या है घर की, उससे हो सकती है, गर्मी से प्रभावित हो सकती है। कोई बीपी का मरीज होगा तो किसी को किसी तरह की दिक्कत होगी, तरह तरह की दिक्कतों को बिजली से की वजह से झेलना पड़ रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोरोना को और तमाम चीजों को किनारे करते हुए बिजली विभाग अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए यहाँ की गरीब जनता, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनकी वार्ड की लाइट को काट दिया गया है। और यहाँ पे मौजूद जितने लोग हैं, हम आपको इसमें से कुछ लोगों से अवगत कराएंगे जिनका बिजली का बिल जमा है, उसके बाद भी उनको इन समस्याओं को, इन बिजली विभाग की इस यात्रा को सहना पड़ रहा है। इसमें कुछ लोगों द्वारा यह भी बताया गया है कि बिजली विभाग के जो जेई हैं उनके द्वारा कुछ अवैध धन की मांग की जा रही है कि अगर इतना पैसा दे दिया जाए उन्हें तो इस लाइट को दोबारा जोड़ा जा सकता है। मतलब वो बिजली का बिल राजस्व में ना जमा कराते हुए अपने जेब में जमा करने के लिए कुछ अवैध धन को कह रहे हैं, जिसकी वजह से लाइट काटा गया है। अब देखना ये है कि इसका नतीजा क्या निकलता है और शासन प्रशासन किस तरीके से इस समाचार को देख के किस तरह का कानूनी कार्रवाई या किस तरह की उचित कार्रवाई बिजली विभाग के खिलाफ करता है कि इन लोगों को न्याय मिल सके। और जो यातना ये लोग झेल रहे हैं, क्या इसकी भी क्षतिपूर्ति शासन प्रशासन और बिजली विभाग करेगा? फिलहाल हम आपको ले चलते हैं, ऐसे लोगों से अवगत कराएंगे जिनका बिजली का बिल जमा है और जिनको घर में तरह तरह की समस्याएं हो रही हैं, और उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। जो लोग ये बता रहे हैं कि जेई और लाइनमैन द्वारा अवैध धन मांगा जा रहा है इस वार्ड की लाइट दोबारा जोड़ने के लिए। ये खाली बाल्टियां आप देख रहे हैं जिसमें पानी बिल्कुल नहीं है और पानी के लिए लोग तरस रहे हैं कि यहाँ वार्ड में किसी के घर भी, हमारे घर में मरीज लेके पड़े हैं, लाइट भी नहीं। एक मिनट, आपका परिचय? हमारी रूही खातून। अच्छा, आपका बिजली का बिल जमा है? पूरा बिल जमा है। अभी तो आप बिजली का बिल हाथ में लिए नहीं है, अगर जांच आएगी आपकी तो दिखा देंगे आप इस चीज को। अच्छा, किसके नाम से कनेक्शन आपका है? शब्बीर खान। आपके शौहर का नाम है, उनके नाम से कनेक्शन है? अच्छा, आपको इस वक्त किस तरह की समस्या हो रही है, क्या दिक्कत है आपको? हमारे घर में मरीज पड़ा है, उसके लिए हमको लाइन चाहिए भाई, हमको लाइन नहीं है तो परेशान हो रहे हैं। पानी की क्या दिक्कत है? पानी अभी आप लोगों को नहीं मिला कहीं से? नहीं मिला है। तो ये खाली बाल्टियां आप लोग लेकर के जो इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे हैं? पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो क्या नगर पालिका कोई टैंकर भेजेगा पानी का? अब नगर पालिका से हम लोग कहे आदेश दिया आप लोग के, हाँ भेजे पानी। अच्छा, और किसका बिजली का बिल जमा है? हमारा भी जमा है। अच्छा, क्या नाम आपका है? रीना। आपके पति का नाम? शाम से उनाई के नाम से। आपका बिजली का बिल जमा है? हाँ। और आप भी जो है समस्या को झेल रही हैं? हाँ। किस तरह की समस्या? आपको आपके यहाँ पीने वाने का पानी है? ना। पानी नहीं पीने का? ना। घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं? हाँ। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस समय ऐसी विकट परिस्थिति में? हाँ, गर्मी में आदमी छपटिया था पानी बिना, गर्म लाइट बिना। और आपका किसका बिजली का बिल जमा है? आपका है? क्या नाम आपका है? बालकरण। बिजली का बिल पूरा आपका जमा है? हाँ, अभी अगले महीने में जमा हुआ है। अच्छा, तो अब आपको भी समस्या को झेलना पड़ रहा है, आपके घर में भी लाइट नहीं होगी? भाई लाइट नहीं है, अब तो समस्या झेलनी पड़ी। अच्छा, मशीन है, मशीन में पानी आ रहा है? हाँ,
बिगड़ा हुआ है। हाँ। तो काफी समस्या आप लोगों को झेलना पड़ रहा है। हाँ। तो खाली बाल्टियां मतलब आप लोग कैसे भरेंगे, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्या समस्या है, क्या समस्या है? लाइन के मतलब हुआ कि हमारा नोटिस नहीं आया था, लाइन के विषय में नोटिस नहीं आता कि किसका काटेंगे किसके नहीं काटेंगे। मेरा हमारा मीटर रखा लगा है। हाँ। नोटिस भेजना चाहिए उसको ना। हाँ। हमारा बाकी हमारा काटना चाहिए। हाँ। पूरा गांव क्यों लाइन काटा है? अच्छा, मतलब जिसकी बाकी केवल उसकी नहीं काटा बल्कि पूरे गांव की काट दिया गया है। हाँ, पूरा गांव का हमारा बाकी हमारा काटो। हाँ। मेरे गांव को पानी आना चाहिए कि नहीं आए? बिल्कुल सही बात है, पानी हमको चाहिए। इसलिए कि हम लोग पानी खाते दिक्कत हमारे हैंड पाइप गांव में नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में किसी को कोई दिक्कत अगर हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, किसको आप मानते हैं? जेई होगा, जेई वगैरह। हाँ, हम नोटिस भेजना चाहिए उसको ना। अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? वही हमको पानी चालू करो, धरना प्रदर्शन करो यार। हमको पानी चाहिए हर चीज में, लाइन दे ना दे, हमको पानी चाहिए। लाइट कटी तो आप लोगों ने जेई से बात किया जोड़ने के लिए? हाँ, जेई से बात हुआ था। जेई क्या कह रहे हैं? पैसा मांग रहा है यहाँ गाँव को, जितना लड़ा वो पैसा मांग रहा है कि हम लाइन चालू करेंगे, पैसा चाहिए हमको। अच्छा, मतलब कैसा? वो अपनी पैसा मांग रहा है, ऊपर से पैसा मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, ऊपर से पैसा मांगने पे लाइट चालू हो जाएगी? ये जेई लाइन में रखना है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे? मतलब बिजली का बिल ना जमा करने के लिए, मतलब सीधे सीधे उनकी जमा किया उस लाइन तैयार होना चाहिए ना। जी विवेकानंद। विवेकानंद जी, जो आपके गाँव की समस्या है वार्ड नंबर 3 चकिया की। जी, वार्ड नंबर 3 रामपुर चकिया से बोल रहा हूँ। तो इसमें बिजली कटी हुई है? जी जी। इसमें आप लोगों ने संबंधित विभाग से बात किया? जी, बात तो जेई साहब से हुई थी, लेकिन जेई साहब कह दिए हैं कि जब 15 दिन के अंदर लाइन नहीं जुड़ेगी जब तक आप लोग पैसा नहीं देंगे फर्जी, जैसे ऊपर ही कमाई नहीं देंगे हमारी जो है वो इनकम। हाँ। तब तक नहीं जुड़ेगी हमारी इनकम से, तात्पर्य मतलब बिजली का बिल ना कह के अवैध धन की मांग कर रहे हैं। अवैध धन की मांग की है। अच्छा, तो आप लोग क्या कब पैसा जमा कर रहे हैं अवैध धन? अवैध धन तो हम लोग नहीं देंगे, इसीलिए आप लोग को श्रीमान जी बुलाए हैं। हाँ। इसी तात्पर्य बुलाए हैं कि आप लोग उसको निष्कर्ष निकालें कि हम लोग देंगे नहीं। ये फ्रीडम बड़े गाँव में, शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? जी, कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से, यही कहना चाहेंगे कि शासन प्रशासन श्रीमान जी से निवेदन है हमारा विनम्र, तत्काल हमारी लाइट जोड़ाया जाए और जो भी धन बकाया होगा बिजली का तो हम अपने गांव के लोगों से कह के उन लोगों का बिजली जमा करा देंगे, बाकी लोगों को तो नहीं बाकी है। उनके विरोध शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे कि उनके विरोध कार्रवाई की जाए, उनके सख्त सख्त कार्रवाई किया जाए। हमारी मांग पूरा हो, मुर्दाबाद। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।